नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बाजार में आज किस तरीके से हलचल हुई, कौन से स्टॉक आज हमने आपको रिकमेंड करे थे अपने टेलीग्राम चैनल पे और उनमें आज क्या देखने को मिला, और इसके बाद बताऊंगा दोस्तों स्टॉक्स अगले दिन के लिए कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिनमें आप अगले दिन के लिए ट्रेड बना के अपना अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन रहेगी, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और सबसे पहले मैं दोस्तों आपको लेके जाऊंगा निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले हम समझेंगे कि निफ्टी में अभी क्या लग रहा है। तो मैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे जाता हूँ और निफ्टी के चार्ट पे ही आपको समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ निफ्टी का स्पॉट मार्केट का चार्ट लगा दिया है आपके सामने, और आपने देखा कि निफ्टी में आज बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। अभी जो निफ्टी ने जो हाई लगाया है यानी कि क्लोज जो करा है निफ्टी ने, वो 10,480 रुपए के आसपास की इसने क्लोजिंग करी है। तो कल की क्लोजिंग से आज जो निफ्टी है वो काफी तेज रही। तो अब इसका रीजन क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। तो मैं लेके जाऊंगा इसके अब डेली के चार्ट पे। अब डेली के चार्ट पे हम देखेंगे, तो पहले ही बात मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ही हमने काफ़ी दिनों पहले ही आपको बता दिया था, लास्ट वीक की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि निफ्टी अपना पुराना हाई जरूर काटेगी जो कि था 10,327 का, और पुराना हाई काटने के बाद आज निफ्टी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कल के दिन जो डोजी बनी है और आज के दिन की कैंडल अगर बेरिश होती है तो आप बेच के चल सकते हैं, बट आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज कोई भी बेरिश कैंडल देखने को नहीं मिली, बल्कि अगर देखेंगे तो एक अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल देखने को मिली है। और इस कैंडल को हम बोलेंगे दोस्तों कि इस कैंडल में आज अच्छा खासा वॉल्यूम था। तो आज के दिन मार्केट में एक तेजी बनी हुई थी, और तेजी का कारण क्या था, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर क्या कर रहा था, ये सस्टेन कर रहा था। मैं यहाँ पे इसको ठीक से समझा देता हूँ, ये डेली चार्ट में आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे आज इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो एक ब्रेकआउट तो देखने को मिला है हमें निफ्टी में, बट क्या ये ब्रेकआउट आगे सस्टेन रहेगा, तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि कल के दिन एक बार और आप क्लोजिंग का वेट कर लीजिएगा। अगर कल के दिन क्लोजिंग का वेट भी नहीं करते और आप देखते हैं कि 12 एक बजे तक बाजार पॉजिटिव रहता है, तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहां से मैं आपको एक चीज, आपको एक टारगेट दे देता हूं। यहां पे देखेंगे कि अगर कल 12 एक बजे तक मार्केट पॉजिटिव रहता है और नेक्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही रहती है, तो दोस्तों आपको अच्छी खासी तेजी निफ्टी में देखने को मिल सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि रिवर्सल भी देखने को मिल जाए, बट रिवर्सल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रिवर्सल आपको देखना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे। तो आपको ये देखना है कि कल एक बजे के आसपास मार्केट में किस तरीके का रुझान रहता है, और अगर कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको 30 मिनट या अवर्ली के चार्ट पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप निफ्टी को बाय करके चल सकते हैं, निफ्टी को बाय करके चलना है, बट अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगाना मत भूलिएगा। अगर आप बाय करके चलते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा जो कि रहेगा 10,302 रुपए का। तो अगर आप निफ्टी को बाय करते हैं तो 10,302 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। अगर 10,302 रुपए का स्टॉप लॉस कटेगा तो आप अपनी पोजीशन से क्या कर देना, एग्जिट कर देना। तो यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रेटेजी का यूज़ करके आप अपनी पोजीशन आप निफ्टी में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से स्टॉक आज हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे रेकमेंड करे थे। तो लेके जाऊँगा मैं टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे ही आपको समझाऊंगा। तो आपने मेरा अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराया तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको लिखना है चार्ट एनालिसिस, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखेगा चार्ट एनालिसिस, ये मेरा चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, ये लोगो मेरी पहचान है, इसको जाके आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब भी लाइव मार्केट में कोई भी पैटर्न बनता है तो उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दोस्तों समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आज हमने मॉर्निंग में पहला जो स्टॉक आपको बताया था वो था एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट को हम पहले से बोल रहे हैं, कल परसों की वीडियो में भी आपको बताया था कि एस्कॉर्ट शॉर्ट करके चलिए। एस्कॉर्ट में दोस्तों अभी सेलिंग देखने को मिल रही है, तो एस्कॉर्ट में हम देखेंगे कि मार्केट में आज एस्कॉर्ट में हाई और ओपन जो था इसका पूरी तरीके से क्या था, सेम था। मैं एक काम करता हूँ, इसके चार्ट पे लेके जाता हूँ, चार्ट पे आपको समझा देता हूँ जिसके आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे हम जाते हैं एस्कॉर्ट के चार्ट पे, और एस्कॉर्ट के चार्ट पे यहाँ पे आपको समझाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
तो जैसे कि आपको पता है कि एस्कॉर्ट में ऑलरेडी पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं डबल टॉप, और डबल टॉप में इसमें सेलिंग की कंफर्मेशन आ चुकी है। बट अगर हम देखेंगे आज की कैंडल, यहाँ पे देखते हैं आज की कैंडल, तो आज इसमें हाई और ओपन जो था वो पूरी तरीके से क्या था, सेम था। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आज का जो हाई था वो 983.80 का था और इसमें ओपन भी सेम था। अब जो हाई और ओपन मैंने लिया है इसमें, वो प्री ओपन मार्केट का नहीं लिया है, ये कैंडल का लिया, एग्जैक्ट जो 915 में हाई और ओपन बना था उसका लिया है। तो हाई और ओपन मार्केट में क्या था, पूरी तरीके से सेम था और पहले से ही पोजीशन हमारी सेलिंग में लग रही थी, तो हमने एस्कॉर्ट को सेल करा। निफ्टी में लग रहा था कि बाजार तेज रहेगा आज, बट फिर भी हमने क्या करा, एस्कॉर्ट को सेल करा और आज हमें एस्कॉर्ट में थोड़े बहुत पैसे दिखने को मिले। तो यहाँ पे इसलिए हमने एस्कॉर्ट को बेचा और एस्कॉर्ट में आज जो लो बना है 962 के आसपास का लो बना है, तो 977 के आसपास, 977 से लेकर 980 के बीच में मेरी सेलिंग थी और मैंने इसको जो कवर करा वो 320 के आसपास कवर करा, तो कुछ 969 के आसपास कवर करा, वैसे इसका लो 962 का बन गया था। अगला जो स्टॉक है जिसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों, वो है अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी में हमने आपको बोला था कि पैटर्न बना है 667 पे, 667.20 पे बोला था कि भैया पैटर्न बना है, इसको शॉर्ट करके चलिए क्योंकि ये डबल टॉप पैटर्न है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके चार्ट पे लेके जाता हूँ, चार्ट पे ही आपको समझाता हूँ। तो डबल टॉप बना हुआ था अमर राजा बैटरी में, तो इसका अमर राजा बैटरी के चार्ट पे लेके जाते हैं, चार्ट पे समझते हैं। तो अमर राजा बैटरी हमने जो बोला था आपको, ये देखिए डबल टॉप है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, बोला था आपको 667.20 पे सेल करने के लिए और इसने जो लो बनाया है, जहाँ से हमने बोला था सेल करने के लिए वहाँ से इसका लो बनाया है दोस्तों 657.80 का, यानी कि जहाँ से हमने आपको बोला था सेल करने के लिए वहाँ से 10 पॉइंट्स आपको मिले हैं। तो आज हमने भी अमर राजा बैटरी में ट्रेड बनाया था और हमें भी अच्छे खासे पैसे मिले। तो आशा करता हूँ कि आपने भी अमर राजा बैटरी में अच्छे पैसे कमाए होंगे, क्योंकि दोस्तों हम निफ्टी स्पेसिफिक नहीं है, हम स्टॉक स्पेसिफिक हैं। निफ्टी कहीं भी जाए हमें मतलब नहीं, हमारा जो पैटर्न बोलेगा हम उस हिसाब से ही चलेंगे। अगर निफ्टी फेवर कर देती तो आज एस्कॉर्ट और अमर राजा बैटरी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आपको अगला स्टॉक आपको दिखा देता हूँ जो हमने आपको बताया था, वो था मुथूट फाइनेंस का। मुथूट फाइनेंस में एक पैटर्न बनाता है जिसको बोलते हैं दोस्तों शूटिंग स्टार, और मुथूट फाइनेंस में जो पैटर्न बना था वो डेली चार्ट पे बना था। तो दोस्तों आपको पता है कि डेली चार्ट में जब कोई पैटर्न बनते हैं तो उसमें टारगेट आने में टाइम लगता है, तो ऐसा ही मुथूट फाइनेंस में हुआ था। तो इसकी जो क्लोजिंग आज हुई है, मैं इसके चार्ट पे लेके जाता हूँ और चार्ट पे आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे मुथूट फाइनेंस में, तो मुथूट फाइनेंस जहाँ पे हमने बोला था, ये देखिए 1150 पे आपको बोला था सेल करने के लिए, ये शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शूटिंग स्टार, और वहाँ से दोस्तों इसमें 20 पॉइंट यानी कि 20 पॉइंट्स की इसमें मंदी आई है। तो आशा करता हूँ कि 20 रुपये आपने मुथूट फाइनेंस में भी ले लिए होंगे। अगला स्टॉक दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, वो है, मैं अभी तो जो मैं बताता हूँ दोस्तों, जो फ्री वाला प्राइवेट ग्रुप है उसमें मैंने इतने ही स्टॉक रिकमेंड करे थे, बाकी के मैंने अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे रिकमेंड करे थे। तो पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे लेके जाता हूँ, तो वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि एक पैटर्न मैंने आपको बताया था सेंचुरी टेक्सटाइल का। सेंचुरी टेक्सटाइल में पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं डार्क क्राउड कवर, तो यहाँ पे डार्क क्राउड कवर बना था और हमने बोला था 321 रुपये पे सेल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसके चार्ट पे जाता हूँ, चार्ट पे ही आपको समझाता हूँ, यहाँ पे जाएंगे और चार्ट पे समझाते हैं। तो सेंचुरी का मैं चार्ट आपके सामने पेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे मैं अवर्ली का चार्ट लगाता हूँ। तो अर्ली के चार्ट पे यहाँ पे हमने बोला था सेल करने के लिए, और जैसे ही सेल करने के लिए बोला इतनी तेजी से दोस्तों ये एक बड़ी कैंडल देखने को मिली, और इस कैंडल में पूरा का पूरा सेलिंग का वॉल्यूम था। तो आज जैसे ही हमने बोला कि आप सेल करके चलिए, और उसके बाद इसका जो लो बना था वो लो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि लो इसका बना था 312.20 रुपये का, तो 7-8 रुपये हमें यहाँ सेंचुरी टेक्सटाइल में भी देखने को मिले। इसके अलावा 2-3 स्टॉक और थे जिसमें मैंने ट्रेड बनाया था, जैसे एक्सेल टेक जो मैं कल से बोल रहा था सेल करके चलिए, उसमें मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ। अदानी पोर्ट जो मुझे लग रहा था सेल करके चलेंगे, बट उसमें भी आज थोड़ा सा लॉस हुआ, उसका मैं रीज़न आपको दिखा देता हूँ। मैं अदानी पोर्ट का चार्ट आपको दिखाता हूँ कि अदानी पोर्ट हमने क्यों बेचा था। तो अदानी पोर्ट हमने इसलिए बेचा था क्योंकि पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं, यहाँ पे लेके जाएंगे अदानी पोर्ट के चार्ट पे और यहाँ पे समझेंगे, अदानी पोर्ट में पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं डबल टॉप। बट आज याद हुआ क्या कि आज इसमें तेजी देखने को मिली और अदानी पोर्ट में हमारा स्टॉप लॉस कट गया। बट अभी कल का मार्केट देखना है, अभी कल के मार्केट में देखते हैं कि क्या होगा, कौन से पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो कल अगर कुछ नया पैटर्न देखने को मिलेगा तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आज आपने देखा कि निफ्टी भी इतनी तेजी आई, बट उसके बाद भी हमने कुछ स्टॉक थे जो सेल करा और किसी किसी पे टारगेट आया और किसी किसी में स्टॉप लॉस भी कटे। दोस्तों एक स्टॉक बताना मैं आपको भूल गया, वो था रिलायंस का। रिलायंस में भी एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, मैंने बता दिया था 1730 पे कि आप शॉर्ट करके चलिए,
और रिलायंस के चार्ट पे अगर हम जाते हैं तो रिलायंस के चार्ट पे हम देखेंगे कि रिलायंस में आज छोटी सी गिरावट देखने को मिली, ज़्यादा नहीं, 10 पॉइंट रिलायंस वहाँ से नीचे गिर गया था। रिलायंस में भी हमने छोटा सा ट्रेड बनाया था। अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों कि जितने स्टॉक मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करे थे उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने खुद भी उसमें ट्रेड करे थे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हवा में स्टॉक फेंक देता हूँ आपके सामने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि चार्ट भेजना बहुत आसान है, उस पर ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों इसलिए मैंने उस पर खुद भी ट्रेड करे, जो मैं आपको खुद बताता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, मैं उस पर खुद भी ट्रेड करता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं आज का अपना प्रॉफिट आपको दिखा देता हूँ कि आज मैंने किस तरीके से ट्रेड बनाया। तो रिलायंस मैंने बेचा था दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो 2520 रुपए का हुआ था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिलायंस पे प्रॉफिट हुआ मुझे 2500 रुपए के आसपास का। पेट्रोनेट में प्रॉफिट हुआ मुझे 4560 का। पेट्रोनेट भी मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट करके चलिए, कल के दिन में ही मैंने आपको बता दिया था। एससीएल टेक में मुझे लॉस हुआ 13300 रुपए का, बड़ा वाला लॉस है मुझे 13300 का हुआ एससीएल टेक में। एस्कॉर्ट में मुझे प्रॉफिट हुआ 25320 रुपए का। इसके अलावा सेंचुरी टेक्सटाइल में मुझे प्रॉफिट हुआ 14900 रुपए का, 15000 मान के चलिए, और ये जो प्रॉफिट था मुझे 10 मिनट में ही हो गया था। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो बैटरी में 11320 रुपए का प्रॉफिट हुआ, बट मुझे ज़्यादा मोटा वाला जो लॉस हुआ वो हुआ मुझे अदानी पोर्ट में, अब मान के चलिए 30000 रुपए का लॉस हो गया मुझे। 30000 रुपए का लॉस क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अदानी पॉट अच्छा खासा गिर सकता है, तो मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा दी थी। कई बार ऐसा होता है ना कि आप भी कभी ट्रेड करते हैं और वो ट्रेड आपका जो लॉस वाला होता है उसमें आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो आज ऐसा मेरे साथ अदानी पोर्ट में देखने को मिला। बट उसके बावजूद भी मुझे जो प्रॉफिट हुआ है आज 16200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 16200 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है आज। तो चलो ठीक है, बाजार में उतार चढ़ाव रहा, पर उसके बावजूद भी नेट में मैंने पैसे कमाए, आज लास्ट में मुझे प्रॉफिट हुआ। तो लॉस प्रॉफिट मार्केट में चलता रहता है, बट मैटर ये करता है कि अंत में क्या हुआ, अंत में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अब यहाँ पे मैंने आपको अपना प्रॉफिट दिखाया। अब एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आप भी इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.chartanalysis.co.in, वहाँ पे जाके लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पे न्यू यूज़र बना के आप मेरा कोर्स है जो टेक्निकल एनालिसिस का, वो परचेज कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 8000 रुपये है। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलिट वेव थ्योरी, कैप्स थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, इसके साथ साथ प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी और डिमांड सप्लाई, जो मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है वो मैंने इस कोर्स में डाल दिया है। अगर आप मेरा कोर्स करते हैं जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है जो लाइफ टाइम के लिए मिलता है, तो आपकी एक्यूरेसी भी 70-80% की हो जाएगी, सिर्फ 1-2 महीने की आपको मेहनत करनी है। और अगर आपको बीच में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो डायरेक्टली मेरे से ही बात करेंगे। मेरी कोई टीम ऐसी नहीं कि मेरी टीम है और टीम से बात करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे से ही बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको अपना पर्सनल टेलीग्राम चैनल दूंगा, जिसमें मैं पर्सनली आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करता हूँ। जैसे आज मैंने सेंचुरी टेक्सटाइल का पर्सनली सजेस्ट किया था कि इसे आप शॉर्ट कर दीजिए, 332 का मैंने स्टॉप लॉस भी दिया था सेंचुरी टेक्सटाइल में, और उसमें आज अच्छे खासे पैसे देखने को मिले। ये जो कुछ पर्सनल रिकमेंडेशन होते हैं जो प्राइवेट चैनल पे मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो प्राइवेट चैनल में मैंने पेड स्टूडेंट होते हैं, जो कोर्स के स्टूडेंट होते हैं, उन्हीं को ऐड करता हूँ, तो मैं भी आपको उन्हीं में ऐड करूँगा। इसके अलावा संडे के मैं वेबिनार करता हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो हर संडे एक डाउट सेशन रखता हूँ टेक्निकल एनालिसिस का। तो दोस्तों फीस आपको सिर्फ देनी 8000 रुपये, कोर्स लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, और कोर्स की जो क्वालिटी है बहुत अल्टीमेट है। कंटेंट अगर मैं बताना चाहूँ तो प्रोडक्शन हाउस से शूट कराया तो ऐसा लगेगा जैसे मैं आप ही को पढ़ा रहा हूँ। कंटेंट क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। तो डिटेल्ड में कोर्स है, बिगनर से लेकर एडवांस लेवल का है, जिसको टेक्निकल का टी भी नहीं आता होगा वो भी टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। एक चीज़ और है, अगर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आप मेरे कहने पे फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे एंजल ब्रोकिंग के साथ, तो संडे का वेबिनार मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अब मैं बात करता हूँ कल के दिन के बारे में, कल के दिन आप कौन से स्टॉक है जिसमें आप ट्रेड बना सकते हैं। तो मुझे पेट्रोनेट, रिलायंस ये दो स्टॉक लग रहे हैं जिसमें आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। मुजहर फाइनेंस है जो लग रहा है कि शॉर्ट में बना सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट हैं तो टाइम लगता है टारगेट आने में, बट सेल करके चलेंगे तो आपको मुनाफा हो सकता है। और बाकी कुछ नई रिकमेंडेशन होगी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।